दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुनाफ और आप देख रहे हो धनतेज हस्तकला केंद्र। आप सभी प्यारे प्यारे कला प्रेमियों का मेरी यूट्यूब चैनल धनतेज हस्तकला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चार भाई की नई डिजाइन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका आप अभी पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने देखा ना हो तो वो पार्ट वन देख लीजिए। ताने नए तरीके से किस तरह से बनाए जाते हैं उसका मैंने तरीका, उसकी तरकीब बताई है, जो आप पहले पार्ट में देख सकते हो। आज हम पार्ट टू देखेंगे। दोस्तों देखो, इस तरह से फंदा बना लीजिएगा। देखिए और देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जहां से हमने कल ये वीडियो अटका है, मैं आगे बता दूं आपको। दोस्तों मरून का सेंटर, फिर ये चार, फिर ग्रीन, फिर ये चार कपल, फिर मरून, फिर ये चार कपल और आखिर में आए ये ग्रीन। ठीक है, अब एक पार्ट यहाँ पे आप कंप्लीट हो गया है। सेंटर से इधर कल हमने बुनाई की, ताने खींचे सेंटर से लेके इस तरफ ताने खींचे। अब आगे क्या करना है दोस्तों, कि ये जो भाग में जितनी भी दूरी आई, जितने कपल आए, जो कलर आया, उसको ये जो सेंटर है उससे रिपीट करना है। तब क्या, यहाँ पे जो आया वो यहाँ से शुरू करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं। दोस्तों देखिएगा, देखिए दोस्तों, ग्रीन दूरी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन दूरी है, यही अपने यहाँ पे रिपीट करना है। जितने कपल उधर है उस साइड पे उतने इधर लेने हैं। इस तरह से फंदा लगा लीजिए दोस्तों। इस तरह से इधर ग्रीन दूरी है तो वो सेम इधर रिपीट की जाएगी दोस्तों। तो नए तरीके से ताने खींचे जा रहे हैं। आप पूरे गौर से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको नया सीखने को, नया जानने को मिलेगा। आप भी ये काम अपने घर कर सकते हो। इसके अलग अलग पार्ट बने जाएंगे, ये किस तरह से की जाएगी वो भी आने वाले पार्ट में बताया जाएगा। एक पूरी सीरीज भी बनेगी इस चार बैग डिजाइन की। मैं चाहता हूँ कि आप सीरीज के हर वीडियो देखिए, यकीन आपको अच्छा लगेगा और आप ये देखकर अपने घर पे भी काम कर सकते हो। दोस्तों देखिए, दोस्तों ध्यान से देखना, इस तरफ जिस कलर के ताने खींचे गए हैं, जो दोरी इस्तेमाल की गई है और जैसी इस्तेमाल की गई है वही को भी अपने इधर करना है। मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, उस तरफ जो है उसकी कॉपी इधर करना है दोस्तों। दोस्तों एक ग्रीन डोरी के कपल हो गए हैं, आप देखिए
ये जो आए वो यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। अब उसके बाद कौन से कलर की दोरी है, ये कलर, ठीक है। अब ये एक कपल इसका लेंगे, दो इसके और एक कपल इसका। देखिए दोस्तों, ये का अंदर से ये है, ये अंदर से हमने लेते हैं इस तरह से, और ये जो है उसको नीचे छुपा देते हैं। ये जो दोरी है उसको ना काटनी है ना अलग से इसमें जॉइंट करना है, उसको पीछे छुपाना है। दोस्तों देखो, इस तरह से अच्छी तरह से मजबूत गांठ लगा दीजिए, खोले ना इस तरह से, इस बार का ध्यान रखना है, अच्छी तरह से लगाना है। ये हो गया, देखिए एक गोल्डन कलर की दोरी का एक कपल लेंगे हम, जैसा कि उस साइड पे है। देखिए दोस्तों, ये गोल्डन कलर में एक कपल कंप्लीट हो गया है। अब गोल्डन के बाद ये एक गोल्डन वाला कपल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद स्काई ब्लू के दो कपल आएंगे जो यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे रिपीट किए जाएंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये ऐसी जब गांठ लगाओ तो पूरे ध्यान से लगाना, मजबूती से होनी चाहिए, खुल ना जाए, उसका पूरा ध्यान रखना। दोस्तों स्काई ब्लू के दो कपल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने जो ये गोल्डन कलर जो पीछे दबा रखा था दोरी, उसको निकाल के इस तरह से निकाल देना है। दोस्तों देखिए, दोस्तों इस तरह से इसको हमने निकाल ली, देखिए, और इसका एक कपल लेंगे। पूरे ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप ये सब खुद करना चाहते हो तो पूरे गौर से पूरे ध्यान से देखना, यकीनन आप सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये चार कपल कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हम आ चुके हैं दोस्तों, अब उसके बाद कौन सी दूरी आई, देखिए दोस्तों ये वाला कलर यहाँ बनना है हमको, ठीक है, तीन बार, तीन अंदर और तीन बार, मरून कलर के नौ कपल इस तरह से यहाँ आएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब ये आप नोट लगाए, गांठ लगाए, तो मजबूत तरीके से करना दोस्तों, लूज ना रह जाए, इस तरह से लगा दी गई। अब इन मरून कलर में नौ कपल के ताने आएंगे। एक ताना, एक कपल कंप्लीट हुआ दोस्तों मरून कलर में, हमको नौ कपल लेने हैं मरून कलर में। ये दूसरा शुरू हुआ, ये जो दूरी है उसको नीचे इस तरह से छुपा देना है।
देखिए दोस्तों, और जंजीर बनाना भी आप सीख सकते हो इस तरह से। देखिए दोस्तों, तो ये दूसरा कमरा कंप्लीट हुआ है। मरून में हमको मरून में 9 कपल बनाने हैं। दोस्तों देखो, अब यहां तक हम आ चुके हैं दोस्तों। ग्रीन ग्रीन, फिर ये 4 कपल, फिर मरून के 9 कपल और ये 4 कपल, यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद हम ये ग्रीन लेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये जो डिस्टेंस है, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। मैं आपको मेजर करके बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए ये देखिए, हम यहाँ तक आए। देखिए देखिए, ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला सेम मेजर है, ठीक है। अब हम यहाँ तक ताने खींच लिए हैं हमने। अब 3 कपल बाहर ग्रीन का आएंगे, 3 अंदर आएंगे और 3 बाहर आएंगे, और उसके बाद 4 कपल ये आएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आएंगे और ये सेंटर बाद में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मरून का काम हो गया है 9 कपल। अब यहाँ से हम इस दोरी को ऐसे नीचे से काट लेंगे इसको। दोस्तों जो हमने पीछे ग्रीन दोरी छुपा के रखी थी, इसको ऐसे निकालेंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे। जिस तरह से यहाँ बाहर आए, इस तरह यहाँ पे 3 कपल आएंगे बाहर। देखिए दोस्तों, इस तरह से जंजीर लगाना है, वो भी आप गौर से देखिए। दोस्तों ये वाला यहाँ पे रिपीट किया गया है। अब यहाँ हम आ चुके हैं, ये आखिरी ताना है गोल्डन कलर में, ये वाला, और ये तो हम ऑलरेडी सेंटर में 9 बना चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब इस जंजीर को और इस जंजीर को कनेक्ट कर देना है। इस तरह से ताना खींच लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो खींचा है इसको बाहर निकाल लो, पूरा सब काम निकाल लो, पूरा बाहर खींच लो, और इसके बाद इसको इस तरह से ऐसे ऐसे लेके इसमें ले लो। देखिए दोस्तों, पूरे गौर से देखना, और इसको ये वाले को वापस यहाँ लेना है इस तरह से वापस ले लेना है इसको। ऐसा खींच लो आप दूरी को, इस तरह से खींच लेना है,
और ये दूरी बची उसको वापस यहाँ से लो आप इस तरह से। देखिए दोस्तों गौर से देखना, गौर से देखो दोस्तों, ये हमने खींच लिया है और इसको ऐसे नीचे खींच लो और ये वाले को यहाँ कर लो दोस्तों। ये ताना, ये जंजीर इस तरह से हो गई है एक दूसरे से कनेक्ट, आप देख सकते हो दोस्तों। और ये वाले को आप यहाँ बाहर पे इस तरह से इसको बेसाई करना है दोस्तों। सेंटर से शुरू करने की वजह आप समझ चुके होंगे दोस्तों, इसकी वजह ये कि कुछ डिजाइन में ऐसा होता है कि इस तरफ जो कलर की दूरी हो, जितने ताने हो उतने ताने उधर भी होना चाहिए। हमारे हमने इसको सेंटर में रखा है दोस्तों, यहाँ पे फुल बनेंगे डिजाइन में और यहाँ पे भी एक कलर आएगा और एक सेम ही आएगा। इस वजह से हमने इसको सेंटर से शुरू किया और सेंटर से शुरू करने की वजह ये है दोस्तों। यकीनन दोस्तों आपको ये पसंद आया कि आपने लाइक किया, अगर नहीं किया तो दोस्तों लाइक तो कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, आपकी कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है दोस्तों। आपको क्या सीखना है वो भी बताना आने वाले वीडियो में, इसमें डिजाइन किस तरह से बुनी जाएगी उसके बारे में प्रैक्टिकल करके समझाया जाएगा, तो पार्ट 3 जरूर देखना दोस्तों। दोस्तों आपको ये काम कैसा लगा आपके आपकी राय देना, आपका अभिप्राय देना दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा गुजराती मित्रों हमारी नम्र विनती कि हमारी चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट अवश्य करो। आपने आ काम क्यों लागू, आपने अभिप्राय आपने मंतव्य अवश्य आप सोची दोस्तों। दुआ में याद रखना, अपना और अपनों का ख्याल रखना। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में जिसमें आपको इसके अगले डिजाइन के बारे में प्रैक्टिकल माहिती दी जाएगी, समझाया जाएगा। जय हिंद।